गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? फाइन बेटा, हम पढ़ रहे थे द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें हमने कई चीज़ें पढ़ ली थी। लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो रिंडरपेस्ट बीमारी के रिगार्डिंग पढ़ा था कि किस तरह से रिंडरपेस्ट को अफ्रीका में यूज़ किया गया और उन्होंने किस तरह से उस पर अपना अधिकार किया था अफ्रीका पर। आज हम पढ़ेंगे इंडेंटर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, कि इंडेंटर्ड लेबर्स वो होते हैं जिन्हें कि एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, कि एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में उनको लेके जाता है, कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कर उनसे। देखिए यहाँ पर दे रखा है इंडेंटर्ड लेबर, ए बॉन्डेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनको लेके जाया जाता है फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर ए स्पेसिफिक, कि एक फिक्स टाइम के लिए उन्हें दूसरी जगह पर लेके जाया जाता है। तो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा लेबर्स को वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ में ले जाया गया था अपना वहाँ पर काम कराने के लिए। तो उसके रिगार्डिंग ये टॉपिक है आज। देखिए, इंडेंटर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, द एग्जाम्पल ऑफ इंडेंटर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया ऑल्सो इलस्ट्रेट द टू साइड नेचर ऑफ 19th century, कि 19th century जो वर्ल्ड है उसको दो तरीके से वो प्रतिबिंब कर रहा है, दो तरीके से उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। इट वॉज वर्ल्ड ऑफ फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल ग्रेट माइजरी, कि इस समय वर्ल्ड जो था बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ और काफ़ी आप कह सकते हो कि माइजरी की काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर गरीबी भी आई थी। हायर इनकम ऑफ फॉर सम, कि कुछ की तो इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पावर्टी फॉर अदर्स का, और काफ़ी बहुत से लोगों में गरीबी आ गई थी। टेक्नोलॉजी एडवांस इन सम एरियाज, कुछ जगह पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई थी, एंड न्यू फॉर्म ऑफ कर्सन इन अदर, और एक दूसरे कंट्रीज़ में नए तरीके से लोगों को आप कह सकते हो कि उनको एक्सप्लोइट किया जाने लगा, जैसे कि हमने वहाँ पर पढ़ा था रिंडरपेस्ट में, हमने पढ़ा था रिंडरपेस्ट की बीमारी के रिगार्डिंग। इन द 19th century, 100,000 ऑफ इंडियंस एंड चाइनीज लेबर्स वेंट टू वर्क ऑन प्लांटेशन, कि 19th century में लगभग हजारों लाखों की संख्या में लोगों को इंडिया और चाइना से दूसरी जगह पर काम कराने के लिए ले जाया गया। अब किस किस काम में उनको काम कराते थे, या तो प्लांटेशन में कराते थे, माइंस में, रोड या रेलवे के कंस्ट्रक्शन में, अलग अलग उनको प्रोजेक्ट्स में काम कराते थे। इन इंडिया इंडेंटर्ड लेबर वर हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट, कि इंडिया से भी इनको हायर किया गया, विच प्रोमिस रिटर्न ट्रेवल टू इंडिया आफ्टर दे हैड वर्क, और उनको ये कहा गया कि आप इंडिया वापस तभी आ सकते हैं जब वहाँ पर आप 5 साल तक काम कर सके, यानी कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि आपको 5 साल तक वहाँ पर काम करना होगा और 5 साल का काम करने के बाद आप वापस इंडिया आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। मोस्ट इंडियन इंडेंटर्ड वर्कर्स केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे, अब देखो वो कहाँ से आए थे जो ये लेबर्स उस समय जब दूसरे कंट्रीज में लेके गए थे, तो इनको कहाँ से ले गए थे, इंडिया के। देखो इस समय ईस्टर्न यूपी, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड द ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, कुछ तमिलनाडु से। इन द मिड 19th century दीज रीजन्स एक्सपीरियंस मैनी चेंजेस, 19th century में इन एरियाज में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुआ। कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन, की कॉटेज इंडस्ट्री खत्म हो गई थी। लैंड रेंट्स रोज, की लैंड के जो किराए होते थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लैंड वर क्लियर फॉर माइंस एंड प्लांटेशन, प्लांटेशन और माइंस के लिए जो ज़मीनें थी उनको साफ कर दिया गया। ऑल दिस अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ पुअर, अब इस सभी से जो गरीब लोग थे उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई। दे फेल टू पे द रेंट्स, वो किराया देने में, ज़मीन का किराया देने में फेल हो गए और काफ़ी ज़्यादा कर्ज में डूब गए। अब कर्ज में डूब गए तो एग्रीकल्चर तो उनकी ख़त्म हो चुकी थी, अब उन्हें दूसरी जगह पर काम की तलाश करने लगे। द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन एंडेंटर्ड माइग्रेंट्स वर द कैरेबियन आइलैंड, अब जितने भी अधिकतर यहाँ से जो वो गए थे लेबर गई थी वो कैरेबियन आइलैंड पर गई थी, ठीक है। मेनली देखो इसमें त्रिनाद, गुयाना और सुरीनाम, ये तीन चीज़ें हैं, इसके अलावा मॉरिशस एंड फिजी में। कुछ अगर बात करें तमिल माइग्रेंट जो सीलोन, सीलोन का मतलब श्रीलंका में गए थे, आपने पढ़ा भी था, मलाया में गए थे, मींस अलग अलग जगह पर उनको ले जाया गया, और कुछ को तो असम में प्लांटेशन वर्क में ले जाया गया। अब इन लोगों को जो रिक्रूट किया जाता था, इन लोगों की जो भर्ती की जाती थी लेबर के लिए, वो एजेंट्स के द्वारा की जाती थी। रिक्रूटमेंट वॉज डन बाय एजेंट्स एंकेस बाय एम्प्लॉयर्स, कि और उनको कुछ कमीशन भी मिलता था जितने भी लेबर्स को वो उनको देते थे ब्रिटिश वगैरह को। मैनी माइग्रेंट्स एग्रीड टू टेक अप वर्क होपिंग टू एस्केप पावर्टी, अब काफ़ी लोग जो थे वो तो इसलिए भाई गरीबी से बच जाएंगे, उनकी जो आप कह सकते हो कि होम विलेजेस में उनको ऑप्रेस किया जाता, एक्सप्लॉइट किया जाता, उससे बचने के लिए चले गए।
अब एजेंट जो होते थे, एजेंट्स ऑल्सो टेम्प्टेड द प्रोस्पेक्टिव माइग्रेंट्स बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनल डेस्टिनेशन, मोड्स ऑफ ट्रेवल, द नेचर ऑफ द वर्क एंड द लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। अब जो एजेंट्स होते थे, भाई जनरली कोई जल्दी से काम करने के लिए तैयार नहीं होता, तो उन्हें झूठी इन्फॉर्मेशन देते थे कि आपको इस जगह पर ले जाया जाएगा, इस तरीके से ले जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ये होगा, इतनी सैलरी दी जाएगी आपको, ये काम करना, मीन सारी गलत इन्फॉर्मेशन देते थे जिससे कि लोग काम के लिए तैयार हो जाते थे। ऑफन माइग्रेंट्स वर नॉट इवन टोल्ड दैट दे वर टू एम्बार्क ऑन ए लॉन्ग सीज, कि कभी भी उन्हें ये नहीं बताया जाता कि तुम्हें इतने लॉन्ग डिस्टेंस पर ले जाया जाएगा। समटाइम एजेंट्स वर फोर्सबली एबिक्टेड लेस विलिंग माइग्रेंट, और कुछ वर्कर जो जाने के लिए तैयार नहीं होते थे उन्हें वो ज़बरदस्ती, आप कह सकते हो फोर्सफुली, उन्हें वहाँ पर ले जाते थे। तो इस तरह से लोगों को वहाँ पर ले जाया जाता था। 19th सेंचुरी इंडेंट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी, मीन्स एक नई दास प्रथा स्टार्ट हो चुकी थी, नई स्लेवरी सिस्टम एक स्टार्ट हो चुका था। ऑन अराइवल एट द प्लांटेशन लेबर फाउंड कंडीशंस टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैव इमेजिन, अब जहाँ पर भी उनको काम के लिए ले जाया जाता तो जिस जगह पर वो पहुँचे तो वहाँ पर देखते कि भाई जैसा उन्हें बताया गया वैसा तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट वो है। एक तो लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा उनकी ख़राब थी, और उनके पास वहाँ पर कोई अधिकार भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भाई आप 5 साल तक वापस नहीं आओगे। बट वर्कर्स डिस्कवर्ड देयर ओन वे ऑफ सर्वाइविंग, अब उन्होंने अपना नया तरीका एक जीने का आप कह सकते हो कि शुरू किया। मैनी ऑफ देम एस्केप्ड इनटू द वाइल्ड्स दो इट कोड दे फेस सीवर पनिशमेंट, अब काफ़ी लोग जनरली जंगलों में भाग गए वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो पकड़े जाते हैं उनको बहुत ही आप कह सकते हो पनिश दिया किया जाता था। अदर डेवलप, दूसरों ने नया एक तरीका, एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन ब्लेंडिंग डिफरेंट कल्चर, कि उन्होंने अलग अलग कल्चर्स को मिलाकर एक यूनिफॉर्म कल्चर बनाने की बात की, कि कल्चर बनाई जाए ओल्ड एंड न्यू दोनों को मिक्स कर। देखो इसमें दिखा रखा है कुछ इन त्रिनाद कि त्रिनाद जहाँ पर वो ले जाए गए थे, द एनुअल मुहर्रम प्रोसेसन कि वहाँ पर मुहर्रम को सेलिब्रेट किया जाता था, वाज ट्रांसपोर्ट इन दू ए नोटियस कार्निवल कोल्ड होसे, अब उसको एक नया नाम दिया गया होसे के नाम से, जिसमें कि वर्कर्स जो सभी वर्कर्स सभी रिलीजन के वर्कर्स उसमें हिस्सा लेते थे। सिमिलरली द प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ रास्ताफारिज्म, एक और नया वहाँ पर रिलीजन था जिसको कि बॉब मार्ले जो था, एक बॉब मार्ले था एक जमैके का स्टार था, उसने इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया जो रास्ताफारिज्म जो रिलीजन था। इज ऑल्सो सेट टू रिफ्लेक्ट सोशल एंड कल्चरल लिंक विद इंडियन माइग्रेंट, कि जिसमें इंडियन माइग्रेंट के साथ उनके सोशल और कल्चर लिंक्स देखने को मिलते थे। एक चटनी म्यूजिक था वहाँ का कैरेबियन द्वीप समूह का, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था त्रिनाद और गुयाना में। इन अनदर क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन ऑफ द पोस्ट इंडेंटेड एक्सप्रेशन, मीन्स उन्होंने अपने एक जीने का एक नया तरीका, मीन्स वहाँ के जो लोग थे और यहाँ से जो गए थे सभी ने मिक्सअप करके एक नया एक वहाँ पर आप कल्चर, एक नया वहाँ पर आप कह सकते हो रिलीजन को फॉर्म किया। दीज फॉर्म ऑफ कल्चर फ्यूजन आर पार्ट ऑफ द मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड, अब इससे क्या हुआ कि ग्लोबल वर्ल्ड जो एक साथ होने लगा, वेयर थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस गेट मिक्स, कि अलग अलग जगह की चीज़ें सारी मिक्स हो गई, कोई इंडिया से था, कोई कैरेबिया से था, कोई कहीं और दूसरे कंट्री से था, लॉस देयर ओरिजिनल करेक्टरिस्टिक, वो अपनी ओरिजिनल जो उनकी कल्चर थी उसको खो दिया एंड बिकेम समथिंग एंटायरली न्यू, और एक नई कल्चर को उन्होंने राइज किया। मोस्ट इंडेंटर वर्कर्स स्टेड ऑन आफ्टर देयर कॉन्ट्रैक्ट एंडेड, अब काफ़ी वर्कर्स थे जब उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया उसके बाद भी वहीं पर बस गए थे, जैसे हम कई बार पढ़ते हैं कि काफ़ी हमारे यहाँ पर जैसे वेस्ट इंडीज़ की टीम है, वेस्ट इंडीज़ की टीम में कई इंडियन प्लेयर्स होते हैं। इंडियन प्लेयर्स क्या है कि उनकी जो एंसेस्टर्स थे वो वहाँ पर जाकर गए, वो वहाँ पर बस गए, अब वहाँ के वो उनके जो बच्चे हुए वो आज वहाँ पर हैं। देखिए, और रिटर्न टू देयर न्यू होम्स आफ्टर ए शॉर्ट स्पेल इन इंडिया, और कुछ रिटर्न भी आ गए थे। कॉन्सली देयर वा लार्ज कम्युनिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडियन डिसेंट्स इन दीज कंट्रीज, तो इंडिया लोगों की काफ़ी कम्युनिटीज है जो वहाँ पर हैं, आजकल वो जनरली कैरेबियन या कह सकते हो आप वेस्टर्न इंडियंस हो चुके हैं। अब देखिए इसमें कह रहे हैं, हैव यू हर्ड द नोबल प्राइज विनर राइटर V.S. नायपोल, कि V.S. नायपोल का आपने नाम सुना है। सम ऑफ यू मे हैव फॉलोड द एक्सप्लॉइट्स ऑफ वेस्ट इंडियन क्रिकेटर, कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट के कुछ हैं, शिव नारायण चंद्रपोल, रमेश नरेश, सरवन
ये सारे जो हैं ये सभी इनका ओरिजिन है इंडिया, कि इनके जो एंसेस्टर्स थे दादा परदादा वो इंडिया से थे और वो वहाँ पर जाकर वर्कर्स के रूप में गए थे, वहाँ पर जाकर वो सेटल हो गए। तो इनका कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जनरली इंडिया से है। फ्रॉम द 1900 इंडियाज नेशनल लीडर बिगेन अपोजिंग द सिस्टम ऑफ इंडेंटर्ड लेबर माइग्रेशन एज एब्यूसिव एंड क्रूअल, कि 1900 में जो इंडियन नेशनल्स लीडर थे यानी कि जिन्होंने आज़ादी के लिए स्ट्रगल स्टार्ट किया था, अब उन लोगों ने इंडेंटर्ड लेबर को जो यहाँ से लोगों को ले जाया जाता था उसका अपोज करना शुरू किया कि भाई ये उनके साथ बहुत गलत होता है, उनको बहुत गलत तरीके से वहाँ पर ट्रीट किया जाता है। इट वॉज एबोलिश्ड इन 1921 और 1921 में ये ख़त्म कर दिया गया जो इंडेंटर्ड लेबर था। येट फॉर ए नंबर ऑफ डिकेड्स आफ्टरवर्ड डिसेंडेंट्स ऑफ इंडियन इंडेंटेड वर्कर्स ऑफन थॉट ऑफ एज कुलीज, कि उनको एज ए कुलीज वहाँ पर माना जाता है, रिमेंड एज अनईजी, क्योंकि वहाँ पर कैरेबियन वो माइनॉरिटी में बहुत कम है, क्योंकि काफ़ी आ गए थे कुछ वहाँ पर बस गए थे। सम ऑफ न्यायपोल्स अर्ली नोवल्स कैप्चर देयर सेंस ऑफ लॉस एंड एलिनेशन, तो इनमें से न्यायपोल के कुछ जो नॉवल्स हैं उनमें मतलब ये बताया गया है कि किस तरह से लोगों को एक अलग किया गया था उनकी फैमिली से या उनके कंट्री से, उनको अलग कर दिया गया था, वो उनके नॉवल्स में उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में हम कह सकते हैं कि इंडिया से वर्कर्स को वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ में ले जाया गया था, जिसमें कि आप बेसिकली कह सकते हैं कि जो वेस्ट इंडिया जो कैरेबियन आइलैंड है वहाँ पर आप कह सकते हो श्रीलंका, इसके अलावा फिजी, अलग अलग जगह पर उनको ले जाया गया था। इसके बाद है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, कि फॉरेन में यानी दूसरे कंट्रीज़ में इंडियन जो आप कह सकते हो कि इन्वेस्टर्स है, कि उन्होंने वहाँ पर जाकर, अब देखो अभी तक तो लेबर को ले जाया जाता था, अब इंडियन जो यहाँ के रिच पीपल थे उन्होंने वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ में जाकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। देखिए, ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल, कि देखो फूड ग्रो करने के लिए, दूसरी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। लार्ज प्लांटेशन कुड बोरो इट फ्रॉम बैंक्स, कि जो बड़े बड़े वो हैं प्लांटेशंस हैं बागानों के लिए, तो इन्हें बाजार से या बैंकों से पैसा लिया जा सकता है, लेकिन जो छोटे मोटे किसान होते हैं उनका क्या है, वो कहाँ से पैसा लें। एंटर द इंडियन बैंकर, अब देखिए इंडियन बैंकर के रिगार्डिंग यहाँ पे दिखाया गया है इंडियन बैंकर को। डू यू नो दैट शिकारीपुरी श्रॉफ और नटकोटी चेटियास, कि ये दो नाम दे रखे हैं, इनके बारे में आपने सुना होगा। देवर अमंग्स द मैनी ग्रुप्स ऑफ बैंकर्स एंड ट्रेडर्स हु फाइनेंस एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया, कि ये उन बैंकरों और व्यापारियों में से हैं जो मध्य और यानी कि जो मिडिल और वेस्ट सॉरी मिडिल और सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया में जनरली जो वो देते थे कि लोगों को पैसा देते थे, लोगों को कर्जा देते थे एग्रीकल्चर करने के लिए। ठीक है, दे हैड ए सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ ट्रांसफर मनी ओवर लार्ज डिस्टेंस, कि उन्हें अब दूर दूर तक पैसा पहुंचाने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ था। एंड इवन डेवलप्ड इंडिजीनियस फॉर्म्स ऑफ कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, और उन्हें काफ़ी आप कह सकते हो कि जो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन हैं ये उन्होंने अपने एक इंडियन स्टाइल में उनको डेवलप कर लिया था, यानी कि अब ये वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में आप कह सकते हैं कि लोगों को पैसा देते थे ताकि वो एग्रीकल्चर वगैरह कर सके। इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स ऑल्सो फॉलोड यूरोपियन कॉलोनाइजर्स इनटू अफ्रीका, कि अफ्रीका में भी जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे के पीछे क्या था कि भारतीय जो आप कह सकते हो कि मनी लैंडर्स थे, ट्रेडर्स थे, वो भी जहाँ पहुँचे कि अफ्रीका में, क्योंकि देखो अफ्रीका में यूरोपियन तो थे, उनके पीछे पीछे इंडियंस भी है वहाँ पर जा पहुँचे। देखो इसमें हैदराबादी सिंधी ट्रेडर, एक व्यापारी था हैदराबादी सिंधी, हावर वेंचर्ड बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनीज, कि वो यूरोपियन जो कॉलोनीज थी उनसे भी आगे जा पहुँचे। फ्रॉम द 1860s दे एस्टेब्लिश फ्लोरिशिंग एम्पोरिया एट बिजी पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड, कि 1860s में उसने क्या किया, दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। ठीक है, बड़े बड़े एम्पोरियम, सेलिंग लोकल एंड इम्पोर्टेड क्यूरियस
टू टूरिस्ट हुज नंबर्स वर बिगनिंग टू स्वेल, कि उन्होंने जैसे कि दुकानें जो जहाँ पर विजिटर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं उनके लिए, या विदेशी जहाँ पर विदेशी चीज़ें मिलती थी, इस तरह की शॉप्स वगैरह खोल दिए, जिससे कि क्या हो सकते कि ये एक कारोबार बन गया, कि उनको अर्निंग होने लगी क्योंकि विदेशी, और ये एक पूरी तरह से आप कह सकते हो कि वो सुरक्षित भी था। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जब इस तरह का आया तो काफ़ी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आने लगे और उनका एक आप कह सकते हो कि एक जो बिज़नेस था वो स्टार्ट हो गया। तो कहने का मतलब जो इंडियन अब इन्वेस्टर्स वगैरह थे, उन्होंने अब अलग अलग लोगों को ब्रिटिश के साथ साथ वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ में लोगों को पैसा देना स्टार्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं कि किस तरह से आप देखिए कि इंडिया से वर्कर्स को ले जाया गया था और किस तरह से जो इंडियन इन्वेस्टर्स थे उन वो बैंकर्स आप कह सकते हो जो वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ में लोगों को पैसा दे रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।